नमस्कार, मैं धर्मेश जोशी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उत्तर मुंबई गुजरात की सेल प्रकोष्ठ से बात कर रहा हूँ। देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा शालिनी जी, आज की तारीख में ये फ्रॉड क्राइम साइबर क्राइम बहुत हो रहे हैं, तो मैं लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे के अपने हेक्टिक समय में से अगर कोई भी आपको कॉल्स वगैरह आते कुछ भी है तो उसके ऊपर थोड़ा सा शांति से बैठ के उसको अटेंड करिए, ना कि रश में करिए। गवर्नमेंट अपनी जगह पे अच्छे कार्य कर रही है, सपोर्ट कर रही है, हमारे पुलिस प्रशासन भी आप सपोर्ट कर रही है, तो मैं आपको अपील करना चाहता हूँ कि आप सपोर्ट करिए, सतर्क रहिए, और इस तरह से कोई भी प्रतिक्रिया अगर आपको आती है तो आप डरिए मत। हम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं आपका सपोर्ट के लिए। अगर आपको किसी को भी इस बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे अवश्य कॉन्टैक्ट करें और थोड़ा सतर्क रहिए। जितना ऑनलाइन हमारे लिए इजी सुविधा हो गया, हमारे लिए काफ़ी कुछ हुआ कि मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन हम काफ़ी कामों को बहुत ही कम मिनटों में कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर उसका दूसरा पहलू देखते हैं तो उसका मिसयूज भी हो रहा है। तो आप किस तरह से इसमें अभियान या कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे कि कोई भी इस तरह से साइबर क्राइम के चक्कर में ना पड़े? देखिए, इसमें आज भारत डिजिटल इंडिया हो रहा है, बराबर है, मोदी जी का बहुत अच्छा उसमें प्रयास है, बहुत सारी सुविधाएं हमको दी गई है, इजी मैनेजमेंट किया गया है, मगर इसमें फ्रॉड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, जहाँ तक मेरा बातचीत हुई, कुछ लोगों से संपर्क हुआ, तो उसमें ये जानकारी होती है कि भाई वो अपने बन के कॉल करते हैं, उसके अंदर हम वहाँ पर फंस जाते हैं। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी थ्रेट मिलती है, आप कहीं पर भी इस शिकंजे में आए हुए हो, तो उसमें आप डरिए मत, सतर्क रहिए, पुलिस प्रशासन के पास जाइए। साइबर सेल में आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हो, हर एक पुलिस स्टेशन में ये सुविधा भी दी है साइबर क्राइम की, तो आप वहाँ पर जाके डरिए। अगर आपके साथ कोई गलत तरह से आपके फ़ोटोज़ वीडियोस उसको एडिट करके फोनोग्राफी के अंदर या कुछ भी उसके अंदर डालते हैं, तो आप डरिए मत। पैसे का अगर आपसे लेन देन की बात करें, डरा रहे कुछ, उसमें मैंने ये भी सुना है कि भाई सामने वाले कोई रिकॉर्डेड कॉल भी भेजते हैं जिसमें अपना पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, धमकियाँ ये भी दी जाती है कि हम आपका यूट्यूब वीडियो लाइव कर रहे हैं। तो इसमें आपको डरने की कोई तरह से कुछ भी नहीं है, आप अपने परिवार को संपर्क करिए, नज़दीक के पुलिस स्टेशन को करिए, ऑनलाइन साइबर क्राइम है तो उसको आप संपर्क करिए। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, अगर आपको कुछ भी इसमें सहायता चाहिए, तो मैं धर्मेश जोशी आपके लिए तत्पर खड़ा हूँ। फेसबुक पे हम देखते हैं या फिर जो भी ऑनलाइन जो भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट अकाउंट्स बने हैं, वहाँ पर कहीं लड़की लड़का बनकर और लड़का लड़की बनकर लोगों के साथ फ्रॉड करने का काम करते हैं, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है इस पर किस तरह से उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जिस तरह से मुझे जानकारी मिली है उसमें कैसा होता है कि आपको ब्लैंक कॉल किया जाता है, आपका पूरा 2-3 मिनट का वीडियो लिया जाता है, उसको एडिट करके लड़कियाँ जेंट्स को तकलीफ करती है और लड़के लेडीज़ों को तकलीफ़ करते हैं इस तरह से गलत सिंग और वीडियोस बना के। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर इस तरह से कोई भी प्रोग्राम होता है, बराबर कोई भी घटना होती है, तो उसको आप पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करिए। और ये सब चीज़ें ऐसी हो रही है कि अगर कोई इंसान, देखिए ऑनलाइन तो हम किसी को पकड़ नहीं पाते, वो अपना सिम कार्ड वगैरह चेंज कर लेते हैं, अपने आइडेंटिफिकेशन चेंज कर लेते हैं, दूसरे के फोटोग्राफ्स लगाते हैं फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, आज की तारीख में ये सब चीज़ें बहुत हो रही है। तो मैं यूथ को बोलूँगा, हर एक नागरिक को बोलूँगा, जनता को बोल रहा हूँ कि भाई आप इसमें सतर्क रहिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको ही आप सिलेक्ट करिए, अननोन फ्रेंड्स को आप अवॉइड करिए, चाहे वो आपके बारे में कितनी भी जानकारी रखता हो, आपको किसी के बारे में बोलता हो कि भाई ये हमारे परिचित है, आप हम यहाँ मिले थे वहाँ मिले थे, तो इसको आप सतर्क रह के इस तकलीफ से आप दूर रहिए। अब आपके साथ इस मुहिम में अगर बात करें तो कौन से ऐसे लोग हैं जो जुड़े हैं, जिनको इससे कोई जानकारी, जिनके साथ बैठकर आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करेंगे? जी देखिए, मेरे साथ लीगल टीम में हमारे हेड है एडवोकेट स्वाति पंड्या जी, वो हमको इस मुहिम के बारे में प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं। हर एक तरह से जो हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संपर्क में जो भी हमारे पास आते हैं कंप्लेंट्स लेके, तो एडवोकेट स्वाति पंड्या जी इसको हैंडल करते हैं, उनको मदद करते हैं और उनको इस चीज़ से, तकलीफ़ से बाहर निकलने की वो जी जान से मेहनत करते हैं और काफ़ी जन को हमने हेल्प भी किया है। तो जो लोग अब इससे परेशान हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं,
इतना परेशान है कि वो किसी से बता भी नहीं पाते वो कहाँ फंस गए हैं, उनके लिए आप उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो फिर गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। जी देखिए, मैं इसमें बहुत स्पष्ट हूँ, अगर आपको कोई भी मुश्किल आती है तो पहले आप अपने परिवार को संपर्क करिए, उनसे बैठ के बात करिए, सलाह मशवरा करिए, पुलिस स्टेशन में जाके उसकी कंप्लेंट लॉज कराइए। अगर आपको कुछ ऐसी तकलीफें में हो रही है जो आपकी आवाज़ को कोई सुन रही नहीं रहा है, तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ मेरे कार्यालय में, तो आप आके यहाँ पर मुझे संपर्क करें। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि 100% मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आपका जो तकलीफ है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।